नमस्कार, मैं हूं अश्विन मिश्रा। आप देख रहे हैं हिंदी खबर का खास शो खेल खबर। महान फुटबॉलर का निधन, टीम इंडिया से जुड़ा बड़ा अपडेट। यहां देखें खेल की 10 बड़ी खबरें एक साथ। खेल जगत में मंगलवार और बुधवार की शाम तक खबरों का तांता लगा रहा। 15 अगस्त के दिन दो सबसे बड़े खबर ये रही कि मशहूर पहलवान विनेश फोगाट ने एशियन गेम से चोट का हवाला देते हुए अपना नाम वापस ले लिया। वहीं दिग्गज श्रीलंका क्रिकेटर हर्षरंगा ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं, रात होते होते एक दिग्गज भारतीय फुटबॉलर ने दुनिया को ही अलविदा कह दिया। आइए जानते हैं, ये हैं खेल की दुनिया की 10 बड़ी खबर। पहली खबर है संजू सैमसन के समर्थन में उतरा दिग्गज। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी संजू सैमसन को लेकर अक्सर काफी चर्चाएं रहती हैं। यह खिलाड़ी टैलेंटेड काफी है, आईपीएल में टीम की कप्तानी भी करता है। टीम इंडिया के अंदर उनको लेकर शायद कंफ्यूजन ही रहता है। पूर्व भारतीय ओपनर आकाश चोपड़ा ने संजू के समर्थन में खड़े होकर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को उनका बुरा समय याद दिलाया। अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ। टीम इंडिया में 3 साल बाद खेलेगा यह खिलाड़ी। अब सोच रहे होंगे किसका नाम है। बात की जा रही है शिवम दुबे की, जिन्होंने आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए शानदार प्रदर्शन करते हुए एक बार फिर से टीम इंडिया में वापसी की। वह इससे पहले नवंबर 2019 में डेब्यू के बाद 2020 फरवरी तक भारत के लिए 13 T20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं। अब एक बार फिर से उनका टीम इंडिया में चयन हुआ है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। महान फुटबॉलर खिलाड़ी का हुआ निधन। भारत के लिए खेलने वाले 1970 दशक के महान फुटबॉलर और पेले के न्यूयॉर्क कॉस्मोसो के खिलाफ मोहन बगान के लिए गोल करने वाले मोहम्मद हबीब का मंगलवार को निधन हो गया। उन्होंने 74 की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। बुमराह टीम इंडिया के 11वें कप्तान होंगे। आयरलैंड सीरीज में टीम की कमान संभालने वाले बुमराह T20 इतिहास में टीम इंडिया के 11वें कप्तान होंगे। बुमराह करीब 1 साल बाद चोट से परेशान होने के बाद मैदान में वापसी कर रहे हैं। उनसे पहले महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे दिग्गज खिलाड़ी कप्तान रह चुके हैं। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। आयरलैंड के दौरे पर बदल जाएगी टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी। इस दौरे पर टीम इंडिया के स्क्वाड में ओपनर के तौर पर मौजूद हैं ऋतुराज और जायसवाल। वही कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं जो रेगुलर ओपनर रहा हो। शुभमन गिल और ईशान किशन की बात की जाए तो उन्हें इस सीरीज में आराम दिया गया है। रोहित शर्मा वर्ल्ड कप के बाद से कोई भी T20 इंटरनेशनल मैच नहीं खेले। ऐसे में ऋतुराज और जायसवाल का कॉम्बिनेशन इस साल T20 इंटरनेशनल में टीम इंडिया की तीसरी ओपनिंग जोड़ी होगी। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। पैट कमिंस वापसी के लिए तैयार। ऑस्ट्रेलिया कप्तान ने खुद वर्ल्ड कप से ठीक पहले भारत के खिलाफ होने वाले सीरीज में वापसी करने की उम्मीद जताई है। बाएं कलाई की चोट से उबर रहे ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मंगलवार को कहा कि उनका लक्ष्य विश्व कप से पहले सितंबर के आखिरी में भारत के खिलाफ होने वाले 3 मैचों की वनडे सीरीज के दौरान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करना। इस खिलाड़ी ने 4वीं बार जीता प्लेयर ऑफ द मंथ किताब। ऑस्ट्रेलिया की 26 वर्ष एजल गार्डनर बैक टू बैक पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं, जिन्होंने जुलाई में इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ एक और शानदार प्रदर्शन के बाद अपने 4थे ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार को जीता। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। बेंच पे ही कटेगी इन 3 खिलाड़ियों की आयरलैंड सीरीज। टीम इंडिया अब एक नए रूप में आयरलैंड में उतरने वाली है। कप्तान बुमराह होंगे और टीम में नए खिलाड़ियों की भरमार है, लेकिन इस टूर पर जाने वाले कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्हें प्लेइंग 11 में मौका मिलना मुश्किल है। एक खिलाड़ी जितेंद्र शर्मा, मुकेश कुमार और अहमद हैं। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। एशिया कप से पहले रिटायर हुए ये खिलाड़ी। श्रीलंका के स्टार ऑलराउंडर हर्षरंगा ने अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कैरियर से संन्यास ले लिया। खेल के सबसे लंबे फॉर्मेट में अपने खेल कैरियर को अलविदा कहने से पहले 4 टेस्ट मैच खेले हैं। उन्होंने अपने रेड बॉल कैरियर में 4 विकेट लिए और 1 अर्धशतक की मदद से 196 रन ही बनाए। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ।
वर्ल्ड कप 2023 के मैच देखने हैं तो अभी करें पंजीकरण। आईसीसी द्वारा 25 अगस्त 2023 से टिकट की बिक्री शुरू की जाएगी। टिकट बिक्री से पहले आईसीसी की तरफ से मंगलवार 15 अगस्त को एक लिंक शेयर किया गया। टिकट बिक्री से पहले पंजीकरण की जानकारी दी गई। दरअसल यह पंजीकरण फैंस को टिकट बिक्री को लेकर लगातार अपडेट रखेगा। इसमें फोन नंबर देना होगा और पंजीकरण के बाद सभी अपडेट फोन नंबर पर शेयर की जाएगी। आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे खेल खबर में नई जानकारियों के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें।